पैसा नहीं हो रहा है। हे गाइस, दिस इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग आदित्य 897। इस वीडियो में नागा दाव का जो बेल्ट होता है जिसमें नागा दाव को लगाते हैं, जिसको मयान बोलते हैं, वो बनाने वाला हूँ। दिक्कत इसलिए होने वाला है क्योंकि इसका शेप जो होता है ये ट्रायंगुलर होता है। ये कीले हैं, 1, 2, 3 ऐसी काफ़ी सारी हैं, ये हमको निकालनी पड़ेगी। देखो, इसको यू शेप थोड़ा सा है ना, स्पेस बना रहा हूँ ताकि उसके अंदर दाव चला जाए। भाई पूरे कपड़े फिलहाल जो अपन ने इसका मयान बोलते हैं ना, मयान बनाए थे, ये तो बहुत छोटी रह गई और दाव का साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये जो अपना दाव है ये करीब इसका ब्लेड का साइज है 1 फुट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको इसमें लगाएंगे तो देखो इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। केवल ये पार्ट जो है ना ये इसके अंदर जा रहा है, बाकी तो ये पूरा इससे बाहर ही है। देखो देखोगे ना यहां से बाहर निकला हुआ है ब्लेड और इतना लंबा है। अभी इसके गैप को थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ। ये इस साइड से थिक है और इस साइड से पतला है, तो ये इसका पीछे वाला जो पार्ट है बुढ़ा वाला वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। अभी भी हल्का सा
हल्का सा टाइट है, डालते जैसे एकदम स्मूथली अंदर जाना चाहिए ना, वैसा नहीं हो रहा है। फिफ्टी परसेंट काम हो चुका है इसको, इसका फिनिशिंग भले ही सही नहीं होगी लेकिन ये फंक्शनल है। वैसे तो मैंने इसको चिपका दिया था, यहाँ नेल्स भी लगा दी थी, लेकिन अब मैंने इसको ऊपर से अलग से वायर से बांधा है। और मेरे पास ये मेरा एक पुराना गिटार है, उसकी बेल्ट पड़ी थी, इसका चेस्ट बेल्ट बनाऊंगा। ये है नागा दाव जो कि मैं नागालैंड से लेके आया था, और ये मैंने इसकी बेल्ट बनाई है। और कुछ तो ये जो यस ये बेल्ट है, ये मेरे गिटार की बेल्ट थी। एंड दिस इज़ कुकरी, ज़ीरो साइज़ का कुकरी है, ये मैंने नेपाल से लिया था। तो अब इस कुकरी की हेल्प से, और ये लकड़ी है, इससे बुश क्राफ्ट करके एक छोटा सा कांटा टाइप का बनाऊंगा, जिससे कि हम यहाँ पे मार्शमेलो, टमाटर, पनीर कुछ भी सेक सकें। फाइनली फायर इज अप। ये लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली है ना, तो इनको मैं ये चूल्हे से सटा के रख देता हूँ। तो अब ये सूख जाएंगी एंड उसको फर्दर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अंडे होने वाले हैं और अब मैं बनाने वाला हूँ मेरी कॉफ़ी। तो ये एक छोटी सी बॉटल है जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम कैरी करता हूँ, और इसमें है कॉफ़ी, बहुत थोड़ी बची है बट मेरा काम तो हो जाएगा। और बन गई कॉफ़ी। अब इस ही बर्तन में मैं बनाऊंगा राइस। पक गया ठीक है, इसको इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखो ये पॉइंटेड लकड़ी इस काम में आती है, आग से निकालने में। ये वो बुरादा है जो इसको शार्प करते टाइम मैंने कुकरी से निकाला था, इसको डाल देते। आई थिंक वी नीड टू कवर इट सो दैट पूरा पानी नहीं उड़ जाए इसका, इसको ढक देते हैं ना तो पानी नहीं उड़ेगा इसका सारा। 15 मिनट हो चुके हैं और आई थिंक चावल पक चुके होंगे, देखते हैं क्या हाल है। एग्स रेडी है, ये सारी चीज़ें एकदम रेडी है। अब इनमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, नमक डालूँगा, इसको मैश करूँगा गार्लिक को, ऊपर से ऑलिव ऑयल डालूँगा या फिर सरसों का तेल डालूँगा, काली मिर्च डालूँगा, उसके बाद रेडी। कोई भी किसी भी तरीके की मिर्ची मैं इसमें नहीं डालूँगा। तो ये रहे पोटैटो, टमाटर और ये तीन एग, अब मैं इनको मैश कर लूँगा, इनमें काली मिर्च डालूँगा, नमक और थोड़ा ऑलिव ऑयल आराम से। आलू, टमाटो, गार्लिक, एग्स एंड राइस।